अभी तो उत्सव का माहौल चल रहा है और उत्सव का माहौल कैसा चल रहा है इसका आनंद हम सबको आ रहा होगा। अपने यहाँ कितनी अच्छी संस्कृति, कितने अच्छे हमारे त्योहार पर्व रहते हैं, आप अंदाजे लगा लो कि हमारे जितने भी त्योहार और पर्व होते हैं, पर्व जितने भी होते हैं, जैसे एकादशी, नवरात्रि, सावन का मास, ये सब पर्व वाले जिसमें उपवास करते हैं और त्योहार इतने जिसमें सबको खाने पीने को खूब मिले, खूब आनंद के साथ मस्ती के साथ खाओ, तो होली, दिवाली, दशहरा ये त्योहार के रहते हैं और संक्रांति हम सब समझ सकते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री ने फिर हमको एक दिवाली दे दी है, एक त्योहार का मौका आया हम सबके लिए, जिस त्योहार के आधार पर हमारा अपना 22 तारीख का दिन इतिहास में अमर हो जाएगा, अमिट हो जाएगा। मैं आज इस बात के लिए बड़े गर्व के साथ भी कहना चाहूंगा, इस बात के लिए क्योंकि जो बात चली है यहाँ सागर की धरती पर, सागर की वो धरती है जहां शिक्षा को लेकर के सर हरि सिंह गौर ने अलग अलग प्रकार से अपना जीवन की कई यात्रा और कई सारे मुकाम पर उनकी अपनी पहचान बनी, लेकिन उन्हें अपनी जन्मभूमि पर सागर की धरती पर अपनी सारी संपदा लेकर के यहां आकर के जो विश्वविद्यालय का दान दिया था, वाकई वो उससे बड़ा दान कुछ हो नहीं सकता है। आधुनिक समय के लिए वो इतना बड़ा सम्मान है, मैं उनको नमन करते हुए अपनी बात कहूंगा। सागर के माध्यम से विश्वविद्यालय उस समय खोल दिया जब सागर के बारे में आज भी कई कठिनाइयां आती है, कई सारी चुनौतियां सागर और सागर के लोगों ने सहन की है। सागर ने हमेशा एक बात का साथ दिया, मैं उसका नमन करता हूं। आला उदल के जमाने से इस बुंदेलखंड ने कभी गुलामी के आगे सिर नहीं झुकाया, ये मुझे इस बात का सदैव गर्व रहा है। कोई क्या कर सकता है, कोई यही कर सकता है, कोई खाने को कम देगा, पीने को कम देगा, कोई व्यवस्था छीन लेगा, लेकिन स्वाधीनता तो नहीं छीन सकता है ना। अपने खून का बलिदान देने के लिए जब बुंदेल आगे बढ़ते तो धरती डोलने लग जाती है, कंपायमान होने लग जाता है। यह हजारों हजार साल से यहाँ की परंपरा रही है।